अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। यू आर वाचिंग माय YouTube चैनल त्रिवेदी, वेलकम ऑन माय YouTube चैनल त्रिवेदी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल त्रिवेदी और मेरे चैनल त्रिवेदी पर आपको खुश आमदीद है। आज मैं बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आ रहा हूं जो बहुत आपको फायदेमंद होने वाली है। मैं उसकी तरह न्यू नोटिफिकेशन वीडियो आपकी खिदमत में न्यू पूरा वीडियो लेकर हाजिर होता रहता हूँ। तो आज बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो चलते हैं बात स्क्रीन पर। जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना और कमेंट भी कर देना। तो चलो चलते हैं बात। जी दोस्तों, हम आ गए हैं बैक स्क्रीन पर। आज जो हम वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है, बहुत ही खास है, बहुत ही आपको फायदेमंद होने वाली है। आज जो हम है कैप कट की सेटिंग करना, कैप कट का कोर्स सीखेंगे। कैप कट पर चलते हैं, कैप कट के का कोर्स करना सीखेंगे, कैप कट पर क्या होता है। तो चलो चलते हैं कैप कट पर। यहाँ से मैं कोई भी वीडियो ले लेता हूँ। देखा होगा कि आपने, देख रहे हैं कि आपके सामने वीडियो चल रही है। तो अब मैं इस पर आपको दिखाऊंगा कि इसकी वॉल्यूम कहां से बढ़ती है, वो आज हम आपको वो भी आपको दिखाऊंगा। यहां लिखा हुआ है यहां वॉल्यूम, इस पर क्लिक करेंगे। ये देख रहे हैं आपके सामने, और इसकी वॉल्यूम भी कम भी हो सकती है। ये आपके सामने हो गई। और यहाँ से अब हम इसका आपको बैकग्राउंड भी ख़त्म करना सिखाएंगे, इसका बैकग्राउंड कैसे वीडियो का ख़त्म करके न्यू बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कट आउट, तो यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। इस पर यहाँ लिखा हुआ है पहले नंबर पर रिमूवर बैकग्राउंड, इस पर क्लिक करेंगे। ये आपके सामने बैकग्राउंड रिमूवर हो गया। अब मैं आपको न्यू बैकग्राउंड लगाने का तरीका भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ से हमने यूट्यूब के लिए करना है, तो यहाँ पर हम करेंगे 16:9 पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम अपने लगाना है बैकग्राउंड लगाना है, तो वो कैसे लगाएंगे, वो है कैनवस, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम कोई भी कलर भी दे सकते हैं, देना चाहें तो यहाँ से आप ब्लर भी कर सकते हैं करना चाहें तो। और यहाँ से आपने बैकग्राउंड भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो ये मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं, तो ये आप कोई भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप इस पर गैलरी में भी, आपने कोई भी वॉलपेपर आपने गूगल से भी डाउनलोड किया तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो मैं आपको एक लगा कर चेक करा देता हूँ आपको, सिर्फ दिखाने के लिए। ये देख रहे हैं कि आपके सामने जो लग चुका है, तो यहाँ से अब हम, यहाँ से आप कोई भी घूमने वाला लोगो लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। आपके पास लोगो पड़ा होगा तो वो आप भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से मैं वो लोगो लगाकर आपको चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पर इसको करना है, हमने क्रोप यहाँ वीडियो लिखा हुआ, इस पर करेंगे। वीडियो पे जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ तीसरे नंबर पर क्रोप, इसको हम आप करेंगे क्रोप कर लेते हैं। ये हो गया क्रोप। अब हमने इसका बैकग्राउंड कहाँ करना है, वहाँ जो पहले आपको बताया था कट आउट पे जाएंगे। कट आउट पे जाने के बाद यहाँ लिखा हुआ है तीसरे नंबर पर क्रोमा की, तो यहाँ पर क्रोमा करिए पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ इंटेंसिटी पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से बैकग्राउंड खत्म होगा। यहाँ से आप शैडो देना चाहें तो वो शैडो भी दे सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये भी लग चुका है। तो यहाँ से आप ओवरले पर जहाँ चाहें वो वीडियो आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं यहाँ भी रखकर। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से इफेक्ट कैसे लगाते हैं, मैं इफेक्ट लगा कर आपको दिखाऊंगा। ये आपके सामने है,
यहाँ से आप कोई भी फैट लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो ये आपके सामने फैट लग चुका है डीवीडी वीडियो वाला, तो आप यहाँ से इसको बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, यहाँ से इसकी कॉपी कर लेते हैं। तो अब यहाँ से आप फिल्टर भी कर सकते हैं वीडियो को। देख रहे हैं यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, कलर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कोई ऑडियो सॉन्ग लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, वीडियो चाहे लगाना चाहें तो वीडियो का लगा सकते हैं। तो यहाँ से मैं ऑडियो लगा कर आपको चेक करा देता हूँ। अगर आपका कोई भी पास पड़ा है गैलरी में भी है तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से सॉन्ग थोड़ा सा नहीं लगा, वो मैं आपको लगा कर चेक करा देता हूँ। ये देख रहे हैं आपके सामने लग चुका है। तो यहाँ से आप इसकी वॉइस भी चेंज करना सीख सकते हैं, वॉइस आपको मैं चेंज करा देता हूँ। यहाँ से आपकी जो भी आवाज़ है वो आप चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ लिखा है वॉइस इफेक्ट, इस पर क्लिक करूँगा। आप यहाँ लिखा है इलफ, वो बेवफा नहीं थी कमबख्त, उस वो बेवफा नहीं थी, वो बेवफा नहीं थी, वो बेवफा नहीं थी, वो बेवफा नहीं थी कमबख्त। अब मैं इसको आपकी वॉइस चेंज, ये आपके सामने वॉइस चेंज हो चुकी है। तो मैं यहाँ से कोई और भी आपको लगा के चेक करा देता हूँ। तो वो इसलिए वो चल नहीं रही थी क्योंकि वो हमने वो सॉन्ग लगाया हुआ था। यहाँ से माइक ऑफ वाली भी लग सकती है। देख रहे हैं आपको ये थे आज की हमारी वीडियो यहाँ पर। थोड़ा आपको उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसको, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कराना बोलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर का जरूर कर देना और कमेंट में जाकर अपनी राय का इजहार जरूर करना। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।